हेलो फ्रेंड, सी लैंग्वेज पढ़ने के सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे वॉइड पॉइंटर क्या होता है। देखिए, वॉइड पॉइंटर को समझने से पहले हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं इंटीजर पॉइंटर पी, तो यहाँ पर जो स्टार मार्क्स है ये बताता है कि ये पी जो है ये पॉइंटर है, ठीक है। और पॉइंटर का डेफिनेशन जैसा हम लोग जानते हैं कि पॉइंटर जो है वो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं इंटीजर पॉइंटर पी, तो इसका मतलब ये है कि ये केवल इंटीजर टाइप के वेरिएबल को के एड्रेस को होल्ड कर सकेगा। जैसे लिख रहे हैं पॉइंटर पी, ठीक है, ए लिख रहे हैं तो ए इज ए वेरिएबल, पी जो है ये जो है एड्रेस ऑफ ए को होल्ड कर सकता है। तो पॉइंटर के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर ये इंटीजर पॉइंटर होगा तो ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को रखेगा, अगर ये फ्लॉट टाइप का होगा तो फ्लॉट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को रखेगा, ठीक है। अब हमें सीखना ये है कि वॉइड पॉइंटर होता क्या है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि वॉइड पॉइंटर है क्या। देखिए, वॉइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जिसे हम जेनरिक पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं, और ये जेनरिक पॉइंटर इसलिए है कि ये किसी भी टाइप के मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस को रख सकता है, इसीलिए ये जेनरिक पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एग्जांपल के तौर एग्जांपल से देखते हैं। पी जो है ये पॉइंटर जो है ये वॉइड पॉइंटर है, ए वेरिएबल जो है ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, पी जो है ये एड्रेस ऑफ ए, पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि वॉइड पॉइंटर जो है वो किसी भी टाइप का मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि पी के थ्रू क्या हम ए वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, तो हाँ हम लोग कर सकते हैं। तरीका क्या है, तो सबसे पहले हमें ये बात जानना होगा कि ये जो ब्लॉक मेमोरी का है वो इंटीजर टाइप का है, तो हमें टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। ये जो है यहां पर जो हम लिख कर रहे हैं ये टाइप कास्टिंग, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, क्योंकि वॉइड पॉइंटर को ये पता नहीं रहता है कि ये किस टाइप के मेमोरी ब्लॉक को के एड्रेस को रखा है। तो यहाँ पर तो ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को रखा है, इसीलिए टाइप कास्टिंग हम कर रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। नाउ अभी जो है ये खुद एक एड्रेस है, इस एड्रेस को डी रेफरेंस करने के लिए हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे पॉइंटर। नाउ यहां पर वैल्यू जो भी असाइन हम कर सकते हैं, जो भी वैल्यू यहां असाइन करना होगा, सपोज हम 800 असाइन कर रहे हैं, तो ये जो है एक में ये वेरिएबल ये वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। तो देखते हैं, प्रिंट एप न्यू लाइन ए इज परसेंटेज डी, ठीक है, ए ए में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो होना चाहिए 800। तो चलिए पहले से सेव कर लेते हैं। यहां एक एरर है, देखिए यहां जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये दिख रहा है ए इज 100। तो हमें पता चला कि वॉइड पॉइंटर जो है वो इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को रख सकता है। अब यहां अगर मैं फ्लॉट कर दूं, यहां मैं अगर फ्लॉट वेरिएबल ले लूं, तो ये फ्लॉट वेरिएबल के एड्रेस को भी होल्ड कर सकता है। लेकिन यहां पर टाइप कास्टिंग के समय हमें यहां ध्यान देना होगा, यहां हमें लिखना होगा फ्लॉट, ये टाइप कास्टिंग हम कर रहे हैं। और यहां पर जो वैल्यू है ये वैल्यू वट एवर वैल्यू 1.143 वट एवर वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 3.123, ठीक है। और यहां जो है स्पेसिफायर एफ यूज करना होगा, तो चलिए देखते हैं, सेव कर रहे हैं इसे। देखिए यहां जो आउटपुट मिल रहा है
ये मिल रहा है a इक्वल टू 3.123। ओके, तो समझ में आ रहा है कि ये वॉइड पॉइंटर जो है वो कैसा पॉइंटर है। ये जेनिक पॉइंटर है, ये किसी भी टाइप का पॉइंटर बन सकता है, लेकिन टाइप कास्टिंग इसे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।